हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अली साजिद और आज हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एक न्यू प्रोजेक्ट का जिसका नाम है बानो एब्लेयर। और यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो बाची शहर है और बिल्कुल ये बाशक शहर जो है उसके बॉर्डर पे है। और हम दावत देते हैं अपने प्यारे भाई मलिक तजमल अवान साहब को कि वो हमें इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साजी साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें इस बानो एब्लेयर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी ज़रा डिटेल बताइएगा ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट के और इसकी लोकेशन और इसकी जो प्राइसेस हैं और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। जी इंशाल्लाह। जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट बनता है सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कौन है उसको देखा जाता है। इसका कंस्ट्रक्टर है हसान ओलू इंशाद। हसान ओलू इंशाद बेसिकली एक 1960 से काम करने वाली कंपनी है जो टर्की के अंदर गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। वेरी गुड। अब ये इनका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो है बानो एब्लेयर के नाम से, जो कि कनाल इस्तांबुल के बिल्कुल ऊपर है। कनाल इस्तांबुल इन फ्यूचर टर्की का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, आप वर्ल्ड मेगा प्रोजेक्ट्स में इसको एक कह सकते हैं। इसमें बानो एब्लेयर बिल्कुल बाचे शहर में आता है जबकि इसका टापू जो है वो आवजलार के अंदर उसका कनेक्टेड है। इसमें ये है कि बानो एब्लेयर जो है जो बिल्कुल थेम मोटरवे के ऊपर है, E5 के बिल्कुल पास है, बाचे शहर और बशाक शहर के दरमियान में आता है। वेरी गुड। इसमें बानो एब्लेयर जो है बेसिकली एक फैमिली कॉन्सेप्ट है और फैमिली कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये एक बनाते हैं जो लोग टर्किश लोगों का बेसिकली फैमिली कॉन्सेप्ट है। फाउंडर तो बाद में उसमें ऐड होना शुरू, यानी प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो फैमिली कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। खुले खुले घर हैं, बालकन वाले घर हैं जैसे कि लोग ज्यादातर पसंद करते हैं, फैमिलीज पसंद करती हैं। इसमें यह है कि बानो एब्लेयर से बिल्कुल जो एयरपोर्ट है वो 30 मिनट्स की दूरी पर है। और ये मतलब सब एयरपोर्ट कौन सा है? इस्तांबुल एयरपोर्ट है या इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट है? और इसमें ये बिल्कुल साहिल भी इतना दूर नहीं है और जो कुछ चेक में जो लेक है वो भी बिल्कुल उसके ऊपर है, जो कि यूरोप की भी सबसे बड़ी एक हिसाब से लेक मानी जाती है। और ये जो एरिया है जब इसमें कनाल इस्तांबुल बनेगी तो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो इसके जो स्टेचूज हो गए, अपना जिस तरह के एंजॉयमेंट के लिए पार्किंग होगी, वो सारे इधर बनाए जाएंगे। तो ये इन फ्यूचर वो फ्यूचर प्लान है लेकिन अभी जो है बानो एब्लेयर यहाँ पे मौजूद है। मलिक साहब, मैं कनाल इस्तांबुल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी इस वक्त सिचुएशन क्या है? इनॉग्रेशन तो हो चुकी है तो ये जो है वो इस वक्त कहाँ तक पहुंची है? कनाल इस्तांबुल अभी जो है वो पार्लियामेंट में एर्दोगान इसको बनाने के हक में है, जबकि जो अपोजिशन है वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे। अभी इसके ऊपर डिबेट चल रही है, अभी डिबेट चल रही है लेकिन अभी जो है वो आपको पता है कि जो एर्दोगान एक दफा कह दिया वो तो कंफर्म एक बात पत्थर पे लकीर ही समझे, क्योंकि वो अगर इसको बनाने के हक में है तो वो इंशाल्लाह 2023 के बाद जब दोबारा पावर में आएगा तो वो इसको बना के छोड़ेगा। वेरी गुड। और जैसे कि अभी टर्की में उन्होंने 2023 में जैसे ही उसने आजाद होना है टर्की ने एक हिसाब से उस पे से जो सैंक्शंस है वो उठनी है, उसने अभी से वो कह दिया कि मैं वेट नहीं करूंगा, उसने अभी से पेट्रोल के जितने भी वो वेल है ड्रिलिंग है उसकी जो वो स्टार्ट कर दी है ताकि 2023 जैसे आए उसी वक्त में अपना मेरा सारा माल रेडी हो। वेरी गुड। तो मतलब सब ये नीचे जो है वो अतातुर्क हवाली मानी जो है वो भी 20 किलोमीटर हवाली मानी भी बिल्कुल इसके पास है, जो कि अभी कार्गो के लिए यूज हो रही है लेकिन इन फ्यूचर इसको एयरपोर्ट को वो फंक्शनल करने के बारे में फंक्शनल अभी कार्गो में फंक्शनल है ये, लेकिन इसको पार्क बनाने जा रहे हैं इस्तांबुल का बहुत बड़ा पार्क, इस तरह न्यूज में आया है। वेरी गुड। और बिल्कुल E5 के बिल्कुल ऊपर है जो कि एशियन साइड को टच करता है, उसके बाद तैम योलो है जो कि सेकंड फातिह सुल्तान मेहमद कोपरू है, ये एसन यूर्ट के पास है, एसन यूर्ट के बल्कि और बॉर्डर के दूसरे बाचे शहर एक वन ऑफ द बेस्ट इनका एरिया है जो कि पोश एरिया में से एक आता है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो कि बाचे शहर और बशाक शहर के दरमियान बड़े प्रोजेक्ट्स में मौजूद हैं इसके अंदर। तो इसमें हॉस्पिटल्स आपके पास है, मेट्रो ट्रेन आपके पास है, मतलब 5 मिनट की दूरी पे है, टैम हाईवे जो है वो आपके बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे है। तो लिहाजा ये था इसका छोटा सा स्मॉल। और स्कूल्स और जो पार्क्स हैं इसमें इंटरनेशनल स्कूल्स इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, पार्क्स इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्योंकि ये फैमिली कॉन्सेप्ट है तो इन्होंने सारी सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ है। और मतलब जो मार्केट्स हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही मौजूद हैं। अभी आप हमें प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे लोकेशन के बाद? प्लीज प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ।
जी प्लीज। इसमें यह है कि बाचे शहीद के अंदर ये प्रोजेक्ट मौजूद है पुराना, उनका पहला जो कॉन्सेप्ट थे वो ये इस तरह बिल्डिंग्स की शक्ल में इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें 2+1, 3+1, 4+1 के लिहाज से मौजूद हैं। तो इसमें बच्चों की पार्किंग, आउटडोर स्विमिंग पूल, इसमें फिटनेस क्लब, सौना, हमाम, टर्किश बाथ जिसको हम बोलते हैं, प्लस यानी अमेनिटीज जो है वो सारी की सारी मौजूद हैं। वेरी गुड। और निस्बत के दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत इसके प्राइस भी जो है वो रीजनेबल है, रीजनेबल है। Well, सब इसमें जो है वो अपार्टमेंट साइजेस क्या क्या हैं, यानी 1+0, 1+1, 2+1? 1+1 बेसिकली 1+1, 1+0 जो है वो फैमिली कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो है वो मिनिमम जो है वो 2+1 से स्टार्ट होता है, 2+1 भी बिगर वन, छोटा वाला नहीं, ताकि एक फैमिली जिसके दो बच्चे हों खुद आसानी से वो रह सकें। 2+1, 3+1, 4+1 तक ये जा रहा है। वेरी गुड। इसमें ये जो है वो ऑलमोस्ट 99% सोल्ड आउट हो चुका है। और ये रेडी टू मूव है मतलब सब? जी जी रेडी टू मूव है। ऑलरेडी यानी लोग जो है वो यहाँ पे सेटल्ड हो चुके हैं और रह रहे हैं। वेरी गुड। तो कुछ मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जो है वो यहाँ पे बताया गया है। इनमें ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अतरपुर कवाली मानी है, जो अतरपुर एयरपोर्ट है वो तकरीबन 23 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और इसके बाद जो न्यू एयरपोर्ट है थर्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट वो 25 किलोमीटर दूर है, तकरीबन आधे घंटे का सफर बनता है क्योंकि रश नहीं है। उसके बाद नॉर्थ मारमारा हाईवे, मारमारा हाईवे से बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर है, मेट्रो स्टेशन 600 मीटर की दूरी पे है, इस्तंबुल तकसीम 34 किलोमीटर दूर है, बॉस्फोरस ब्रिज जो कि टर्की का सबसे बड़ा एक बॉस्फोरस ब्रिज है जिसको भी ऑन बेस तैमूज के नाम से मशहूर है, वो 35 किलोमीटर दूर है, याउस फातिह सुल्तान महमद जो है वो 30 किलोमीटर दूर है, याउस सुल्तान सलीम जो है वो 40 किलोमीटर, सुल्तान अहमद जहाँ पे सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क है, आया सोफिया है वो 30-30 किलोमीटर दूर है दोनों, और कनाल इस्तंबुल जो है वो 900 मीटर्स दूर है, और आफजलार सी साइड जो एरिया है वो तकरीबन 15 किलोमीटर इसके। तो यानी लोकेशन जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है लोकेशन के लिहाज से, बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखें एक फैमिली कॉन्सेप्ट में जो है वो क्या जो फॉरनर्स हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स हों, मस्जिद पास हो, जिस तरह की मुस्लिम कम्युनिटी है मस्जिद पास होती है, उनके बाद हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल तो यूरोप के बेस्ट हॉस्पिटल्स इसके आसपास मौजूद हैं। वेरी गुड। और स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं, टर्किश गवर्नमेंट के स्कूल मौजूद हैं, किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक। वेरी गुड। इस लिहाज से ये अभी ये जो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें ये जो है फर्स्ट साइड एरिया जो है वो उसमें सारा शॉपिंग के लिए बना रहे हैं, उसमें दुकान जिसमें मतलब सुपर मार्केट के नाम से दुकानें बन रही हैं, इसमें एक ही एंट्रेंस है, इवन इन्होंने जो गेस्ट होंगे गेस्ट पार्किंग ही अलग कर दी है, बाकी जो दो पार्किंग है वो सिर्फ रेजिडेंशियल लोगों की होंगी, और ये अप टू 15 फ्लोर जाएगा, और इसमें बच्चों के लिए बैठने के लिए आउटडोर स्विमिंग पूल है, इसमें बच्चों के लिए पार्किंग है, लॉन्च है, आप मतलब तसल्ली से शाम को आके बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, बच्चों का पार्क और जो बच्चों का स्विमिंग पूल है वो उन्होंने सेपरेट दिया ताकि इसमें भी फिटनेस क्लब जो है, आउटडोर स्विमिंग पूल जो है, उसके बाद अपना सौना सिस्टम हर चीज़ इसमें भी मौजूद है, जो कि इसमें कैजुअली तौर पर यूज़ की जाती है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है? अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन टापू 2 महीने तक इसका भी रेडी हो जाए। तो जो प्रीवियस आपने दिखाए हैं मलिक साहब, उनके टापू जो है वो जो प्रीवियस दिखाए हैं वो तकरीबन 90% सोल्ड आउट हो चुके हैं, रेडी हैं, ऑलरेडी सिटीजनशिप के लिए भी वो अवेलेबल है। और प्राइसेस के लिए हम अपने व्यूअर्स को जो रिक्वेस्ट करेंगे वो ये है कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल पे आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए, या फिर हमें व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस हम ऑनलाइन वीडियो के अंदर इसलिए जो है वो आपको शेयर नहीं करते कि प्राइसेस जो है वो मुमकिन है कि कल आप ये वीडियो एक साल बाद देख रहे हों और उस वक्त प्राइसेस चेंज हो चुके हों, तो फिर हम ये चाहते हैं कि जब आप हमसे डायरेक्ट हमारा ऑफिस विज़िट करें या हमें कांटेक्ट करें तो तब हम आपके साथ प्राइसेस जो करंट प्राइसेस होंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो ये जी हमारा आज का जो बानो अब्रेर प्रोजेक्ट है इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में तो हमारी कोशिश होती है कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर कीजिए करें हम, और डिसीजन चूँकि ये सारे का सारा आपका है कि आपने
क्या करना है, कहाँ पे आपको सूट करता है और आपका पर्पस क्या है सिटीज़नशिप लेने का। यानी सिटीज़नशिप सेकंड पासपोर्ट तो आपको टर्की का ऑब्वियसली मिलना ही मिलना है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं या आप फैमिली मूव करना चाह रहे हैं, इसे मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो CBI एजेंट्स हैं वो आपको बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।